दोस्तों वेलकम बैक माय चैनल आरसी मेडिसिन। तो आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आपको बता दें कि आज हम एक ऐसे टैबलेट के बारे में आपको बताने वाले हैं कि आपके बॉडी के अंदर हो चाहे बॉडी के बाहर हो, अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा दर्द करती है तो आपको छुटकारा जल्द ही मिलने वाला है। आपको बता दें कि एक ऐसा टैबलेट के बारे में इंट्रो दूंगा जिसका उपयोग करते ही आपका पूरा दर्द गायब हो जाएगा। तो देरी किस बात की, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भैया, कि मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो सिर्फ आरसी मेडिसिन पर ही उपलब्ध होती है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आपके स्किन के सामने दिख रहा है सुपर स्पास टैबलेट। आपको बता दें कि यह एक ऐसा टैबलेट है, इसका अगर आप उपयोग कर लेते हो तो आपके बॉडी के चाहे जिस भाग में दर्द हो उसको आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हो, यानी ख़त्म कर सकते हो। अगर आप बहुत सारे मेडिसिन का सेवन करके थक चुके हैं, आपके बॉडी का दर्द नहीं जा रहा है, तो आज आपका दर्द बाय बाय होने वाला। तो थोड़ा आपको एंट्रेंस कर देते हैं, आपको बता दें कि इसका मेडिसिन का किन किन रोगों में आप उपयोग कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि अगर आपके मांसपेशियों में दर्द है, आपके मांसपेशियों में ऐंठन के कारण दर्द है, आपके मांसपेशियों के अंदर दर्द है, बॉडी के अंदर दर्द है, तो आप इसका उपयोग नॉर्मल तरह से बहुत गजब कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि इसका थोड़ा इंट्रो दे देते हैं आप तरफ से। मुख्य रूप से इसका उपयोग मांसपेशियों में होने वाले दर्द में उपयोग किया जाता है एवं आपको आसानी से, आपको बता दें कि आपको जैसे सिर दर्द कर रहा है, दांत दर्द कर रहा है एंड बॉडी में अनेक प्रकार के दर्द हैं, तो उसमें आप इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। तो थोड़ा टैबलेट का इंट्रो दे देते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं आप किन किन लोगों के मेडिसिन खानी चाहिए एंड इसका अन्य लाभ क्या है। तो आपको बता दें कि आपके स्किन के सामने दिख रहा है सुपर स्पॉट टैबलेट। आपको बता दें कि इसके अंदर की जो ड्रग्स नेम होता है तो ड्रोटावरिन हाइड्रोक्लोराइड एंड डाइक्लोफिनेक पोटेशियम टैबलेट। तो आपको बता दें कि दोनों का चारों का कम्बिनेशन करते जो ड्रोटावरिन हाइड्रोक्लोराइड होता है वह 80 mg की मात्रा में पाई जाती है। जो ड्रोटावरिन होता है वह मांसपेशियों के अंदर यूज होने वाले दर्द, यानी मांसपेशियों के अंदर ऐंठन के कारण होने वाले दर्द, जैसे आपका मोच आ गया तो अंदर दर्द होता है, आप अचानक से गिर जाते हो तो आपको दर्द होने लगता है, तो आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। एंड डाइक्लोफिनेक पोटेशियम 50 mg, मतलब डाइक्लोफिनेक मतलब बॉडी के किसी भी भाग में आपको दर्द हो रहा है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आपको बता दें इसका मुख्य रूप से लाभ किन किन रोगों में किया जाता है। आपको बता कि सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, टांगों के बीच में होने वाले दर्द, बदन दर्द, पैरों में दर्द, बॉडी के सभी अंगों में दर्द के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपको बता दें कि इसका साइड इफेक्ट, पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो ठोको दबा के लाइक। यार आप लोग लाइक नहीं करते हो तो बहुत तकलीफ होती है। तो आपको बता दें कि इसकी मेडिसिन की डोज बता दूं, उसके बाद इसकी साइड इफेक्ट बता दूं। आपको बता दें कि इस टैबलेट का मुख्य रूप से खाना खाने के बाद एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम आपको खाना है, और कोई भी मेडिसिन हो आपको खाने से पहले अपने डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार ही इस मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। आपको इसकी प्राइस की बात कर ले तो आपको बता दें कि यह मेडिसिन सभी मेडिकल स्टोर पे 45 से 48 रुपये के बीच आपको 10 टैबलेट मिल जाएगा। इस मेडिसिन का सेवन किन किन लोगों को नहीं करनी चाहिए हम आपको ये बता देते हैं। आपको देखिए, जिसका लीवर दवा चल रहा है, लीवर की मेडिसिन चल रही है एंड हार्ट अटैक की मेडिसिन चल रही है एंड किडनी में प्रॉब्लम है उसको, आपको बता दें कि इन लोगों को आपको उपयोग में नहीं लेना है। एंड प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं खाना है। एंड आपको बता दें, अगर आप बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत है तो आपका इसका सेवन नहीं करना है। आप करना है तो अपने डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार इस मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसकी साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। आपका इसका उपयोग करते ही अगर आपको चक्कर आने लगे, उल्टी होने लगे, मुंह सूखने लगे और गैस बन जाए एंड कब्ज बन जाए एंड बॉडी में खुजली होने लगी, तो इस मेडिसिन का सेवन कर तुरंत बंद कर दे और नॉर्मल तरह से अपने डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार ही या किसी डॉक्टर से संपर्क ले। तो वीडियो का सलाह कमेंट करके जरूर बताना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भैया, क्योंकि मेडिसिन से रिलेटिव एक्सप्लेन वीडियो सिर्फ आरसी मेडिसिन पर ही उपलब्ध रहती है। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।